ठीक है, हम आप कभी खान सर से, कभी और किससे, कभी क्या कहता है भारत एक नई सोच के माला के साथ, इसीलिए हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपको हम पहचानते हैं। अभी हम जा रहे थे तो आपको देखे हैं तो हम रुक गए। चलिए सलाम है आपको, मैं सलाम करता हूँ कि आप मुझे देख के रुक गए और क्या मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इनको बिहार के लोग नहीं फेमस करेंगे। क्यों नहीं फेमस करेंगे? कि ये विकलांग है, ये दिव्यांग है। बेचारे कितना मेहनत, आप देख रहे हैं पाँव में, इनके पाँव में चप्पल तक नहीं है और ये धूप में चलते जाएंगे। आप देख रहे हैं इतनी कड़ाके की गर्मी, बहुत अच्छा लगता है। आपने अलग एक इसको लाइए थोड़ा, एक अलग स्नेह दे रहे हैं सर, और बिहार में बहुत प्यार मिला है और आप लोग का सहयोग है। बने हुए को सभी लोग बना देते हैं, कोई बिगड़े को बना के दिखाए तो जितेंद्र उसकी गुलामी करेगा। मैं बता दूं, ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं इनको लोग इतना फेमस कर दिए कि गुम हो गई। भैया क्यों ऐसा हो रहा है? अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर, प्रियंका की बात कर रहा हूँ, प्रियंका की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, ये चाय वाली इतनी फेमस हो गई कि गुम हो गई। आप देखिए इसी पटना, आप पटना कॉलेज देख लीजिए, इसी पटना कॉलेज के ठीक बगल में इस कड़ाके की गर्मी में बेचारा के पास पाँव में जूता नहीं है। अब इसको कोई नहीं फेमस करेगा। आप देख सकते हैं इसके पाँव पहले दिखाइए, आप पाँव इसका देखिए। भैया थोड़ा सा इधर आओ ना थोड़ा सा। आप देख सकते हैं ये दिव्यांग है बेचारा, दिव्यांगता कैसे मतलब इसको चला, थोड़ा सा वहाँ से फिर से चला के लाइए ना। इस तरह से आप देख रहे हैं बेचारे बड़ा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनको बिहार के लोग नहीं फेमस करेंगे। क्यों नहीं फेमस करेंगे? कि ये विकलांग है, ये दिव्यांग है। बेचारे कितना मेहनत, आप देख रहे हैं पाँव में, इनके पाँव में चप्पल तक नहीं है और ये धूप में चलते जाएंगे। आप देख रहे हैं इतनी कड़ाके की गर्मी में, ये देख सकते हैं आप बेसकली है, ये पीछ में चलते हैं। और कब से सब काम, कब, क्या नाम हुआ आपका पहले तो? हम शिव कुमार महतो। अच्छा, कहाँ से हैं? अभी इधर रहते हैं, हाईकोर्ट के बगल में। अच्छा, बिहार के ही रहने वाले हैं? हाँ, बिहार। बताइए, विकलांग है, आप चाय वाली को आप फेमस कर देंगे लेकिन इनको आप फेमस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि भैया विकलांग है और पाँव में चप्पल भी नहीं है। चप्पल क्यों नहीं है? कि गरीबी जीव का नाश है। अगर ये भी बेचारे के पास सब कुछ होता तो इनको भी फेमस करने वाले लोग मिलते। ये कब से काम कर रहे हैं आप? हम 15 साल से, 15 तारीख से काम कर रहे हैं। ये पसीना बता रहा है कि जुनून है, ये पसीना बता रहा है कि पेट का ये भूख जो है, आज इनको नंगे पाँव, नंगा पाँव क्यों चलते हैं? ठेले में दिक्कत होता है चप्पल पहन के, इसीलिए खोल देते हैं, पाँव में आ जाता है चप्पल। दिव्यांग भी है, कब से दिव्यांग? पैदाइशी है। अब बताइए, पैदाइशी दिव्यांग भी हैं और बहुत सारे मतलब, आज हमको आप पिलाइए थोड़ा सा जूस भी, हम लोग पीना चाहेंगे। आइए, हम लोग जूस भी पीते हैं, इधर से आप देख सकते हैं बेचारे जूस पिलाएंगे, आज हम लोग जूस भी पियेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए इतने सभी लोग यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर लोग भी आए हैं, तो ये लोग सिर्फ क्या होता है कि फेमस चाय वाली के लिए आए हैं, इनके लिए नहीं आए हैं, इतने लोग हैं। थोड़ा सा मेरी बात को उन लोग को बुरा लगता होगा कि कैसे कह दिए। ए भैया हेलो, आइए, क्या मतलब कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, वैसी बात है। चाय वाली को जानती हैं आप? हाँ, देखे थे, हम लोग बगल में ही रहते हैं। हाँ, बगल में रहती हैं। हाँ, कब से नहीं आ रही हैं? ये तो कल नहीं लगता, देखे थे ना सुधा? हाँ, कल तो ईद था ना, परसों देखे थे बस में। बड़ा फेमस हो गई हैं। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा अपना मेहनत। आप लोग चाय नहीं बनाती हैं? बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कभी बेचे नहीं है ना। बनाते हैं लेकिन बेचे नहीं हैं। चलिए, इनका भी गलती नहीं, सही का। इस तरह से आप देख रहे हैं, हम लोग चाय पियेंगे और ये जितने यूट्यूबर हैं, इधर आप दिखाओ थोड़ा सा, ये लोग जितने यूट्यूबर हैं, भैया दिव्यांग को फेमस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि बेचारा दिव्यांग है, पाँव में चप्पल तक नहीं है और अपना ये काम कर रहे हैं। हम लोग जूस पियेंगे, सभी लोग चाय पीते हैं लेकिन हम लोग जूस पियेंगे। चाय उनका मैं नहीं पीऊँगा। क्यों नहीं पीऊँगा? कि वो जैसे भी हैं अच्छी हैं और ये बेचारे के पास पाँव में चप्पल तक नहीं है। कम से कम इसके पाँव में चप्पल तो आ जाएगा जूस पीने से। मेहनत तो कर रहा है ना, स्वाभिमानी जिंदगी जी रहा है ना, बहुत अच्छा लगा। सर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे फेमस चाय वाली है, जानते हैं आप? हाँ, नाम सुने हैं, कोई प्रियंका गुप्ता। प्रियंका गुप्ता है, आप बताइए। एक प्रियंका गुप्ता जो कि बहुत, मैं स्टडी किया उनके बारे में, तो बहुत परिपूर्ण घर से हैं,
सही है ना? सही है, परिपूर्ण घर से है। आप देख लीजिए, इसी बिहार में ऐसे दिव्यांग है जो कि इस तरह से मतलब पूरे आज कड़ाके की गर्मी है, इसमें आप नंगे पाँव नहीं चल पाएंगे। चल पाएंगे सर? नहीं चल पाएंगे। लेकिन इनके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? नहीं इनके नहीं, उनके बारे में इसीलिए कि मीडिया वाले हाईलाइटेड कर दिए। हाँ, उसको सोशल मीडिया वाले हाईलाइटेड कर दिए। ऐसा माने लाखों लाख बिहार में ऐसा है कि जो वो तो बहुत अच्छे घराने से हैं, ये लोग तो माने डेली रोजमर्रा है कि जो डेली कमाता है डेली खाता है। हाँ, लेकिन इनको लोग नहीं हाईलाइट, नहीं हाईलाइटेड नहीं करेंगे मीडिया वाले। हाँ, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब देख लीजिए इनकी स्थिति क्या है सर, पाँव में चप्पल भी बेचारे नहीं पहन सकते। उसका बेचारा का इतना इनकम नहीं है कि ये कर सके। ये ऐसा धंधा है इसका एक का कि 3 महीना चलेगा, 9 महीना बैठ के खाएगा। बताइए ऐसा क्यों होता है सर? मैं अक्सर देखा हूँ कि लोग बने को ही बनाते हैं, बिगड़े को नहीं बना पाते, ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारा जो अभी तक जो बना हुआ ऊपर से सिस्टम ही बेकार है। ये सिस्टम जो है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे बेकार है, यहाँ पे देख सकते हैं इतने सब लोग इंतजार कर रहे हैं चाय पीने के लिए। चाय पीने के लिए नहीं, हाईलाइटेड होने के लिए। हाँ हाँ, बता तो रहे हैं, बताइए। लेकिन बेचारा इनका कोई इसका कोई मुद्दा नहीं उठाएगा। नहीं, यहीं पे आएगा, उसको वहाँ पर चाय पिएगा, इसका कोई नहीं देखेगा ना? नहीं। आखिर इसमें क्या है सर? बिहारियों को अक्सर मैं, बुरा मत मानिएगा, मैं बिहारी बोल दिया, बोला कि बिहारी शब्द गंदा भी नहीं है। अक्सर मैं देखा हूँ कि जो थोड़ा सा फेमस होता उसको इतना उठा देते हैं कि फिर वो जमीन पे नहीं उड़ने लगता है। उड़ने लगता है, हाँ वही होगा। वो जो है ना उड़ने लगेगी, उसके बाद जो है ना एक सीमा से हो सकता है कुछ दिन बाद कोई पार्टी इलेक्शन में टिकट भी दे दे। 3 दिन से मैं देख रहा हूँ यहाँ के लोगों से, मैंने स्थानीय लोगों से मैंने पता किया तो 3 दिन से यहाँ पे वो नहीं आ रहे। हाँ नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो है सोशल मीडिया पर हमेशा छाई रहती है। हाँ जी जी, अभी खोलिए यूट्यूब तो देखिए सोशल मीडिया पर छाई हुई है, अभी छाई हुई। हाँ चलिए बेचारे इनका भी हम लोग, भैया आप पिलाइए आपका, हम लोग चाय इनका पीना चाहिए सर। क्यों ये हम आपको हम बढ़िया से पहचानते हैं, आपका नाम जितेंद्र दिव्यांग है। अरे हमको आप जानते हैं एकदम, जोश एक्सप्रेस को हम पूरा बढ़िया जानते हैं। अरे वाह, तो मैं तो आया था टीचर से मिलने, कोई टीचर मुझे मिला के मिले। ठीक है, हम आप कभी खान सर से, कभी और किससे, कभी क्या कहता है भारत एक नई सोच के माला के साथ, इसीलिए हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपको हम पहचानते। अभी हम जा रहे थे तो आपको देखे हैं तो हम रुक गए। चलिए सलाम है आपको, मैं सलाम करता हूँ कि आप मुझे देख के रुक गए। और क्या कहना चाहेंगे आप लोग, पत्रकार हैं, आप पिएंगे सर? आप लीजिए ना। मेरे तो नहीं, आप लीजिए ना। नहीं, हम पेशे से हेड मास्टर हैं। अरे ठीक है, इसलिए नहीं, आप लीजिए ना थोड़ा सा। नहीं पकड़िए, हम इधर बनाओ, इधर बनाओ। नहीं ना, अरे मेरे देखिए बात है भाई, बहुत अच्छा लगता है कि आपने अलग एक इसको लाइए थोड़ा, एक अलग स्नेह दे रहे हैं सर, और बिहार में बहुत प्यार मिला है और आप लोग का सहयोग है सर। कि मतलब तो रहे कि आपको हम देख के मोटरसाइकिल से देखे, हम देखे जितेंद्र दिव्यांग। चलिए चाय पीने के लिए रुके, इनके लिए भी मैं कामना करूंगा सर कि आप लोग इनका भी सपोर्ट करें। देखिए जितेंद्र जी कितना फेमस है कि यहाँ बिहार के लोग, पटना के लोग इनको अपने हाथों से गन्ना का जूस पिला रहे हैं। बिहार का प्यार है और बिहार को मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊँगा, बिहार के लोगों को नहीं भूल पाऊँगा, बिहार के संस्कार को नहीं भूल पाऊँगा कि मैं जहाँ जाता हूँ एक अलग सम्मान मिलता है। और कीजिए ना इस तरह से, अनएम्प्लॉय नहीं है। चलिए सर के तरफ से हम एम्प्लॉय है, तो आप देख रहे हैं सरकार से आपको कुछ मिलता है कि नहीं भाई? आइए थोड़ा सा महतो जी, एक मिनट बस समय लूँगा। सरकार से कुछ मिलता है कि नहीं? मिलता है, विकलांग वाला पैसा मिलता है। हाँ मिलता है। बड़ा मतलब घर और कुछ मिला है कि नहीं? घर भी मिला है। मिला है, तो आप यही से दिनचारी आपका यही है? हाँ यही क्या यही हमारा कारोबार है। और घर में कौन कौन है? घर में बाबू माए हैं सब है। अच्छा 3 महीने बाद आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि यही में लगा रहते हैं, कहाँ दूसरा? अभी दूसरा से धंधा करने में पूंजी लगेगा, फिर तब ना दूसरा धंधा होगा, यही में लगा रहते हैं।
देखिए गरीबी जीव की नाश है और इस तरह से बेचारे हैं, जैसे भी है मैं शुभकामनाएं उनको देता हूँ कि इस तरह से स्वाभिमानी जिंदगी जी रहे हैं। दिव्यांग जरूर है लेकिन हौसला कम नहीं है, इस तरह का इतना भारी बोझ लेकर। लोग कहते हैं कि हाथों से के लकीरों में सब कुछ लिखा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लकीर को भी बदल देंगे अगर जहाँ चाह होगी तो, अगर नहीं चाह है तो हम लकीर को भी नहीं बदल पाएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं रहा बिहार, और बिहार में पटना का ये ऐसा जगह है जो बहुत फेमस जगह है, जहाँ से चाय वाली फेमस हुई, इनको भी आप फेमस करके दिखाइए ना, मैं समझूंगा बिहार बिहार है। क्यों ऐसा करते हैं, एक दिव्यांग के प्रति एक गरीब के प्रति भी थोड़ा सा आवाज़ उठाइए। मैं ये नहीं कहूँगा सबकी सद्बुद्धि की कामना करता हूँ, लेकिन इनके बारे में भी आप लोग सोचें। धन्यवाद।